क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पिज्जा लेकर आ गया। ले आए पिज्जा। मैं और मेरी कजन जा रहे हैं, हम लोग जो है सुबह सुबह गाड़ी हमारी आ गई है। ये बात सुनो, थोड़ा सा काट के दे देना मुझे, बर्तन धो लूंगी। बाल मेरे वॉश हो चुके हैं, अब इसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। आपकी बहन आपके साथ मौजूद है, आपकी बहन का स्टाइल मौजूद है। तो आज के व्लॉग में हम क्या करने जा रहे हैं, आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ पानी पीते पीते। मुझे एक बात याद है अपने सब्सक्राइबर के लिए, अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो घर बैठे आप लोग पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। ये वीडियो है स्पॉन्सर्ड बाय एक्सबेट। इस ऐप को 80 से ज्यादा कंट्री में देखा जाता है और इसके 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ से आपको बहुत सारी गेम्स खेलकर अर्निंग हो सकती है और लाइव स्पोर्ट्स देखकर भी आप अर्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, फर्स्ट डिपॉजिट पे $100 कैश बैक रिवॉर्ड मिलता है और यहाँ विड्रॉ करना बहुत ही आसान है। बैंक अकाउंट जैस कैश इजी पैसा के थ्रू। तो उठे अभी जाइए, मेरा प्रोमो कोड यूज करें और इससे पता है आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस। और लिंक मैंने अपने कमेंट में पिन कर दिया है, तो जल्दी से जाए इस लिंक को ओपन करें और घर बैठे पैसे कमाए पैसे कमाए। आज की व्लॉग में मैं जा रही हूँ रिबॉन्डिंग करवाने, क्योंकि बाल मेरे बहुत ही जला दिए पार्लर वालों ने। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं रिबॉन्डिंग करवा के इसको ट्रीटमेंट करवाऊँ, इसको अच्छा कर दूँ, जले हुए बालों को खत्म कर दूँ। तो मेरी कजन आ गई है फातिमा, तो उन्होंने भी रिबॉन्डिंग करवानी, क्योंकि मामू की शादी है और मैंने भी रिबॉन्डिंग करवानी है। वैसी जस्ट ऐसी दिल चाह रहा था तो मैं रिबॉन्डिंग करवाना चाह रही हूँ। बच्चों को यही छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, अपनी बहन के पास छोड़ के जा रही हूँ, बहन संभालेगी बच्चों को। वो पीछे लग रहे थे, मैं कहा नहीं आप नहीं जाएंगे वरना पार्लर की आप लोग तबाही मचा देंगे। तो वहाँ जाते हैं, पार्लर जाते हैं, किस तरह की रिबॉन्डिंग होगी। अगर आप लोग रिबॉन्डिंग करवाई है, अगर आप लोग की रिबॉन्डिंग खराब हो गई वो भी मुझे बताइएगा। अगर करवाई है तो कहाँ से करवाई है और इसका क्या ट्रीटमेंट है रिबॉन्डिंग के बाद। मैंने क्योंकि पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट सही नहीं किया था, मैंने उसको शैम्पू नहीं लगाया ना केराटिन लगाया, बहुत ज़्यादा मैंने उसके साथ जो है ना जूड़े बना बना के उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। लेकिन अब फाइनल दोबारा मैं जा रही हूँ मलाइका के पास रिबॉन्डिंग करवाने, तो थोड़ा सा लुक चेंज करना है आप लोग के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। तो चलते हैं, उसके बाद रिबॉन्डिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद आके क्या करेंगे घर पे आके, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं और मेरी कजन जा रहे हैं, हम लोग जो है सुबह सुबह फार होने जा रहे हैं। गाड़ी हमारी आ गई है। गाड़ी वाला किधर है, गाड़ी वाला किधर है, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला किधर है, किधर है? ये गाड़ी, गाड़ी ये रक्षा है, रक्षा करवाया है। हाँ चले चले, कभी कभार रक्षे में भी सफ़र करना पड़ता है, अच्छा लगता है। आज काफ़ी दिन बाद रक्षे में बैठ रहे हैं, बैठ गए सुबह सुबह रक्षे में और पार होने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं रिबॉन्डिंग करवाने। सुबह सुबह का मज़ा ही अलग है, देखिए सुबह सुबह के नज़ारे। बताएँ कि कौन सा इलाका है, जल्दी से बताएँ, जो सही जवाब देगा उसका मैं कमेंट पिन करूँगी। और रक्षे का मज़ा ही अलग है ना फातिमा, है ना, ताज़ी ताज़ी हवा लगती है। और काफ़ी सालों बाद रक्षे में बैठे, बचपन में तो बहुत बैठते थे हम रक्षे में अम्मी के साथ, तो हर दफ़ा ही बैठे, लेकिन शादी के बाद कम हो गया। शादी के बाद बाइक और गाड़ी हमने यूज़ की, लेकिन आज रक्षे में जा रहे हैं। तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हमारी कौन कौन रिबॉन्डिंग करा रहा है, क्या करा रही है। नहीं, हम दोनों करवा रहे हैं रिबॉन्डिंग और मेरे तो 4 बाल हैं, इसके काफ़ी सारे बाल हैं। तो देखिए किस पे ज़्यादा मेहनत होती, इस पे या मेरे पे। चले लेट्स गो। तो भाई हम पहुँच गए फार हो रहे रक्षे में, ये मैडम जा रही है ये अपने लाखों बालों का बड़ा गर्क करने, रिबॉन्डिंग कराने। मेरे गिनती के 4 बाल है, उसके लाखों बाल है। अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कितने इसके बाल हैं और कैसी होगी रिबॉन्डिंग, और पता नहीं किसके ज़्यादा मेहनत होगी, इसकी मेहनत होगी मेरी होगी। मैडम आप एक बात बताएं, आप चली जा रही हैं, आपको पता है कहाँ है आप चली जा रही हैं? हमें डी ब्लॉक में जाना था, हम ई ब्लॉक में उतर गए। चलो भाई चलते हैं वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। हमें ब्लॉक मिल गया, अब ब्लॉक पे हम चढ़ रहे हैं और ये आ गए डी ब्लॉक। हाय हाय बहुत थक गए भाई हम लोग, अभी 4th फ्लोर पे चढ़ेंगे। ओए भाई लिफ्ट तो लगा लेते भाई, आप लोग नहीं चढ़ा जाता है। अल्लाह नीचे का दिखाइए, 2 किलो वजन कम हुआ मेरा और इसका तो
बताओ कितना, तुम्हारा कितना किलो कम हुआ है? 35 कम हो गया। ये औरत है, इसको जानते हैं आप? ये जो बुरखे में थी, अभी इसने बुरखा उतार दिया, इसका होगा लाखों बालों का बेड़ा गरक। नहीं, बेड़ा गरक ही होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी बेड़ा गरक है, इसके बाद होगा बहुत कुछ, इसके अंदर काम किया जाएगा। और ये लाखों बाल है, मेरे तो गिनती के 4 बाल है। अब देखते टाइम किसका लगता ज्यादा। अच्छा, अब तुम रेडी हो अपना बेड़ा गरक कराने के लिए? बेड़ा गरक नहीं, अब तुम अच्छा कराने के लिए रेडी हो, क्योंकि बेड़ा गरक तो अभी हुआ हुआ तुम्हारे बालों का। हाल तो देखो क्या किया। ये बात सुनो, थोड़ा सा काट के दे देना मुझे, जूना बर्तन धो लूंगी। सही है। और ये करेंगी मलाइका मैडम, जो इनका बालों का लुक चेंज कर देंगे। आप देखिए, कल आखिर में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। बाल लेके बैठ रही हूँ और मेरे गिनती के 4 बालों में क्या होने वाला है, बेड़ा गरक होगा या अच्छा होगा, कुछ नहीं पता। हाल देख ले बालों का, बालों का हाल दिखाइए। ये देखो, ये गिनती के 4 बाल इनके, ये देखो, देखिए आप देख सकते हैं क्या उजड़ा हुआ। आगे से भी दिखाओ ना। हाँ तो पीछे दिखाने दो ना इसको, बिफोर ऐसा होना चाहिए ना, खतरनाक वाला। अब आफ्टर देखो कैसा होगा, देखना चाहते हैं? जुड़ रहिए मेरे साथ। बहुत गंदी बदबू है लड़कियों, समझ जाओ। किस किस ने इस महीने रिबॉन्डिंग करवाई बताओ भाई, और कैसा रिजल्ट मिला आपको, फायदा हुआ नुकसान हुआ बताना। देख रहे मेरा शक्ल, खामोशी बंद हो गई। वह बदबू है इस केमिकल में, नहीं बता सकती किस चीज़ की बदबू। अगर आप लोग ने कभी रिबॉन्डिंग कराई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कैसी बदबू आती है। समझ रहे हैं ना, बालों पे लग रही है जो क्रीम, वो कहाँ कहाँ काम आती है, उसी की बदबू आ रही है। जितने बाल नहीं है उतने से बड़ा तौलिया मुझे दिया है मलाइका ने, इतने से तो बाल है मेरे। आप लोग समझ रहे हो मेरे बहुत बाल है इस तौलिया के पीछे, 4 बाल है गिनती है। अभी पता नहीं क्या होगा इसके बाद, इसके बाद भी कुछ है, इसके बाद जो और प्रोसेस है जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्या आप लोग बताएं, आप लोग को रिबॉन्डिंग करने से फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान वाले मुझे लग रहा है कम कम लोगों को फायदे वाले लग रहा है। और आपकी रिबॉन्डिंग कितने साल तक चली? मुझे इतनी सख्त नींद आ रही है, कहीं नशा मिलाया है इन्होंने, ये नशा इतने साल तक रहेगा जितनी आपकी बात। क्योंकि मेरी नींदें होती नहीं पूरी, और ये देख ले माशाल्लाह हो गई है मैं खूबसूरत जवान। अब इसके बाद क्या लगेगा? लास्ट क्रीम लगेगी। देखिए रिबॉन्डिंग फाइनल लुक मैं ने तो दिखा दिया थोड़ा सा, इसके बाद मैं अपनी कज़न का दिखाऊंगी, इसके बाल ज़्यादा बढ़ेंगे उस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, उस पर भी अच्छी लग रही है, मैंने पहले भी कराई थी। अभी इसके बाद एक और क्रीम है, उसके बाद फाइनल है। उसके बाद फाइनल है, अभी नहीं है, अभी आप समझ गए होंगे रिबॉन्डिंग हो गई नहीं हुई अभी। ये देख रहे इतना बड़ा बॉल, ये सब मुझ पर लगेगा इतने से बाल। नाज़रीन, बाल मेरे वॉश हो चुके हैं, अब इसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कैसा होगा, और बहुत ही प्यारी प्यारी लगूंगी, क्योंकि मैंने सुना है रिबॉन्डिंग के बाद इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका फेस भी चेंज हो जाता है और बालों का लुक भी चेंज हो जाता है। तो फाइनल लुक मैं अपना और अपनी कज़न का दिखाऊंगी। फाइनल रिबॉन्डिंग हो गई है, और ये देखिए छटक पटक, ये देखो पीछे से भी दिखाओ भाई जी। हो गई है रिबॉन्डिंग, और बहुत ही प्यारा इन्होंने लुक दिया है माशाल्लाह। ये सारा कमाल है ये इनका, जिनका नाम है मलाइका, और मेरी कज़न की रिबॉन्डिंग इन्होंने की है। बस ये सोचे कि मैं ख्याल कर पाऊँ। ख्याल करने के लिए क्या करना है भाई? ये मैं नहीं बोलूंगी। नहीं बोल सकते, शर्म आ रही है। आते साथ बच्चों ने कहा मम्मा हमें भूख लग रही मैक्रोनी बना के दो, तो मैंने मैक्रोनी को बॉइल कर लिया, और काफी हमारे बहन भाई ने कहा था कि मैक्रोनी भी हमें सिखाए बना के, मतलब मैंने मैक्रोनी बना ली, और ये लेंगे कितनी खिली खिली है। उबालने के बाद इसके अंदर ठंडा पानी डाल दें, और ये चिकन है मेरी, इसी को इसके अंदर टुकड़े कर देंगे। पहले हम टमाटर को ग्राइंड कर लें, प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, मैक्रोनी मैंने बॉइल करके निकाली, पानी डाल दें, ठंडा पानी डाल दें। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि आपकी मैक्रोनी जो होती है ना वो खिली खिली रहती है, मतलब चिपकती नहीं है। देखें टमाटर को मैं ग्राइंड कर रही हूँ, ये अच्छा लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, मैं जो टमाटर वाली बनाती हूँ, मेरे बच्चों को थोड़ी ग्रेवी वाली पसंद है। अब सही चल रही मशीन, तो प्याज जल रही थी, मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। अच्छा आप लोग कहेंगे ये साइडों में क्या लगा हुआ, ये मैक्रोनी मैंने इसमें उबाल दी थी बच्चों को, मैं 12 बजे की गई हुई हूँ और अभी मैं आई हूँ, और बच्चे कहने लगे मम्मा हमें भूख लग रही है। मैंने कहा चलो सही, मैं आपके लिए शाम की चाय का इंतजाम करती हूँ, मैक्रोनी बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको उसकी जगह पर रखती हूँ,
उसको तेज कर देती हूँ। यूसुफ इधर आओ भाई, मैक्रोनी बना रही हूँ आपके लिए। आ गया, सलाम करो सबसे और अभी फरमाइश करिए हमें जो है पिज्जा भी खाना है ना, भूख लग रही तो मैक्रोनी खाओ, कह रहे नहीं हमें पिज्जा भी खाना है, तो पिज्जे की भी फरमाइश करी है अभी इनके बाबा से, मैं पिज्जा मंगाऊंगी इनके लिए। यूसुफ पिज्जा खाओगे? हाँ। हैं कौन सा वाला? वो बोटी। बोटी वाला चाहिए। क्या करो? केचप और अच्छा सबसे बोलो आप कैसे हैं, पूछो कैसे हैं? आप कैसे हैं? बोलो मैं मैक्रोनी खाऊंगा। मैंने डाल दिया ये टमाटर। अच्छा जी अब हम डालेंगे इसके अंदर मैक्रोनी, सोया सॉस, और ये झटपट मैक्रोनी है, थोड़ी ग्रेवी वाली है, थोड़ी चटपटी है, थोड़ी चाइनीज भी है, ये थोड़ी ग्रेवी वाली है, ये झटपट सी मैक्रोनी है और ये ग्रेवी वाली की मैक्रोनी है, ये इसके अंदर टमाटर भी है, थोड़ी सी ग्रेवी भी है और थोड़ा चाइनीज जायका भी है इसके अंदर। छोटी मिर्ची गई वाली है, देखिए सब थोड़ा थोड़ा डाली है, और ये आ गया हमारा चिली सॉस, ये बहुत चटपटी बनती है। मतलब मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, बच्चे बहुत भूखे हो रहे हैं, उनको बहुत भूख लग रही है। अच्छा नमक डालना बोल गई थी, मैंने नमक डाल दिया है। देखिए आप जब भी मैक्रोनी को उबालें उस पर ध्यान दें और फौरन उसे ठंडा पानी डाल दें मैक्रोनी को निकालने के बाद। मज़ेदार सा केचप गया, माशाल्लाह भाई बहुत ही मज़ेदार। लहसुन खाली लहसुन डालती हूँ, आज मैंने डाला नहीं था, जल्दी जल्दी में मैंने बनाई है। और पता है जल्दी जल्दी में आपको मज़े की बात बताऊँ, जल्दी इतनी मज़ेदार बनती है ना मैक्रोनी। यहाँ हम गार्निश और हम इसको अंदर ले जाते हैं। सही है, मजेदार। आप खा के बताओ कैसी है? अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। बड़ी मजेदार है और झटपट बनी है और बड़ी स्पाइसी है, मिर्च लग रही है। पिज्जा मंगाएंगे, पिज्जा भी हम आपको दिखा देंगे ब्लॉग के अंदर, वो ब्लॉग यही एंड करते हैं। आ गए क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और पिज्जा लेकर आ गए। ले आए पिज्जा? कौन सा वाला लाए हो? मजे का? अरे मैं खाऊंगी, मम्मा खाएंगी। मम्मा इतनी देर हो गई कभी पिज्जा लाने में? हैं इतनी देर क्यों हो गई? मजेदार पिज्जा आ गया है भाई, मेरे मियाँ बच्चों के लिए लेकर आ गए, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है पिज्जा, ये बहुत पसंद है। चलो अब खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। आ जाओ बच्चों, स्माइल आ जाओ यूसुफ। ये पिज्जा है, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी दिए हमें और डिप सॉस भी दिए हम। वाओ सो यमी। ये पिज्जा है, सुप्रीम पिज्जा। चलो यूसुफ खाएंगे। यूसुफ ने तो बोला भाई पहले मुझे दे दो, मैं खाऊंगा, कोई खाए ना खाए। यूसुफ खा के टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ कैसा है। अच्छा का स्माइल, आप भी खाएंगे? चले आ जाए, आप लोग भी आ जाए, अगर आप लोगों ने खाना है पिज्जा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़्यादा देखते रहिए।